भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पर ट्रायल रन किया है। इसका नया वीडियो सामने आया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पर ट्रायल रन की ये तस्वीर आप भी देखिए। संगलदान से रिहायशी तक रविवार को पहली परीक्षण ट्रेन को दौड़ाया गया था। गुरुवार को फिर अगले ट्रायल रन का वीडियो सामने आया। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर दौड़ाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कुछ दिन पहले यहां ट्रायल रन की सूचना दी थी। इस ट्रैक का काम करीबन पूरा हो चुका है। T1 सुरंग के निर्माण कार्य के चलते कटड़ा से रिहायशी के बीच करीब 30 किलोमीटर के ट्रैक का कार्य लंबित है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि अभी ट्रायल रन चलता रहेगा। ट्रेन ट्रैक पर पूरी तरह से परीक्षण के बाद ही इस पर ट्रेन के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद सिर्फ 3.5 घंटे में श्रीनगर में जम्मू का सफर पूरा होगा। गौरतलब है कि 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर दशकों से कार्य चल रहा है। बनिहाल से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक 161 किलोमीटर पहले से ट्रेन दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जनवरी को संगलदान से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद बनिहाल से संगलदान तक ट्रेन चल रही है। इस ट्रायल रन के बाद 37 पुल के साथ 111 किलोमीटर कटड़ा बनिहाल रेल खंड में भी ट्रेन दौड़ेगी। इसी खंड में चिनाब पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी है। अब पूरे ट्रैक का काम पूरा हो गया है। जल्द जम्मू से श्रीनगर ट्रेन चलेगी। बता दें कि नदी पहाड़ और घने जंगलों के बीच से गुजरते इस ट्रैक पर बना रेलवे का सबसे ऊंचा पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और 1.3 किलोमीटर लंबा है। इस पुल को बनाने के लिए एक पिलर की लंबाई 103.26 मीटर और जमीन का ऊपर का भाग 95 मीटर है। तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पर ट्रायल रन किया है। इसका नया वीडियो सामने आया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पर ट्रायल रन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। संगलदान से रिहायशी तक रविवार को पहली परीक्षण ट्रेन को दौड़ाया गया था। गुरुवार को फिर अगले ट्रायल रन का वीडियो सामने आया है। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर दौड़ाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कुछ दिन पहले यहां ट्रायल रन की सूचना दी थी। इस ट्रैक का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। T1 सुरंग के निर्माण कार्य के चलते कटड़ा से रिहायशी के बीच करीब 30 किलोमीटर के ट्रैक का कार्य लंबित है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि अभी ट्रायल रन चलता रहेगा। ट्रेन ट्रैक पर पूरा परीक्षण के बाद ही इस पर ट्रेन परिचालन की अनुमति दी जाएगी। साथ ही गौरतलब है कि 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर दशकों से कार्य चल रहा है। बनिहाल से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक 161 किलोमीटर पहले से ट्रेन दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जनवरी को संगलदान से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद बनिहाल से संगलदान तक ट्रेन चल रही है। इस ट्रायल रन के बाद 37 पुल के साथ 111 किलोमीटर कटड़ा बनिहाल रेलखंड में भी ट्रेन दौड़ेगी। इस खंड में चिनाब पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी है। अब पूरे ट्रैक का काम पूरा हो गया है। जल्दी जम्मू से श्रीनगर ट्रेन चलेगी। बता दें कि नदी पहाड़ और घने जंगलों के बीच से गुजरते इस ट्रैक पर बना रेलवे का सबसे पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस पुल को बनाने के लिए एक पिलर की लंबाई 103.26 मीटर और जमीन के ऊपर का भाग 95 मीटर है।